साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा नीट 2020 के बारे में। जी हाँ, नीट 2020 काफ़ी कुछ राज है इस नीट 2020 में लेकर। बच्चों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी उत्साह है और काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी है कि आखिर नीट 2019 कैसे होगा, उसमें क्या एग्ज़ाम्स होंगे, इसके अलावा क्या पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम कौन सी संस्था कराएगी, एम्स एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जिप एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सवाल हैं सभी दोस्तों के दिलों में। दोस्तों उससे पहले बता दें, ऐसे दोस्त जो कि इंटरमीडिएट में हैं, जो कि फ्रेशर्स, उनको बता दूं कि भारत में एक देश और एक मेडिकल एग्ज़ाम, यानी कि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको करने के बाद आपको भारत के सभी मेडिकल कॉलेजेस में सभी कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MBBS, BDS, BHMS, BOMS, BMS, नर्सिंग, BPT, BPharma, जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको भारत में नीट एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। बिना नीट एग्ज़ाम दिए हुए आप भारत में कोई मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते हैं लीगल रूप से। अगर कोई कॉलेज, संस्था, यूनिवर्सिटी आपको ऐसा कोर्स करवाती है तो आपके साथ छल कर रही होगी। बता दें कि नीट एग्ज़ाम देने के लिए आपको PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको इंटरमीडिएट पास करना होगा किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ क्वालिफाई करते हैं, आपके नंबर 50% से ज़्यादा होते हैं, तो इस केस में आप फिर नीट के एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, आप नीट एग्ज़ाम दे पाते हैं और आपके अच्छे रैंक आने पर आपको मनचाहा कॉलेज और मनचाहा कोर्स अलॉट होता है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि क्या विदेश में जाने के लिए भी MBBS जरूरी है, सॉरी नीट एग्ज़ाम जरूरी। बता दें कि आपको कोई भी कोर्स करना है भारत में या भारत के बाहर, आपको हर केस में MBBS एग्ज़ाम, सॉरी नीट एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अब सबसे प्रमुख सवाल कि NMC बिल, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, तो क्या 2020 में नीट एग्ज़ाम होगा या एम्स एग्ज़ाम होगा, कौन सा एग्ज़ाम होगा, किसको लेकर हम तैयारी करें, ये ऐसे बहुत सवाल हैं आप सभी दोस्तों के दिलों में। तो आपको बता दूं कि NMC बिल का जो प्रमुख प्रावधान ये है कि बिल जो है अभी जस्ट पास हुआ है, वो जस्ट अप्लाई और टाइम लगता है, है ना, कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, ऑफिस बनेगा, फिर उसके बाद ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको बता दें कि 2020 में आपके नीट एग्ज़ाम्स और एम्स एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम्स होंगे। बता दें कि एक भी कोई भी बिल पास होता है, कोई भी प्रावधान बनता है, तो उसको अप्लाई करने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। तो इस अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जो है जुलाई महीने में आपका NMC बिल पास हुआ है, तो जस्ट अप्लाई होना पॉसिबल नहीं है। 6 से 7 महीने के बाद आपका नीट एग्ज़ाम यानी कि मार्च अप्रैल में हो जाता है और इसी टाइम आपका एम्स एग्ज़ाम भी होता है। तो ऐसे सभी दोस्त जो कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एम्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर वो जिप्मा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको किसी बात से डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 बातों की एक बात, वो अभी सिर्फ अपना जो कंसंट्रेट करें एग्ज़ाम को, जो अपने एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करें, अपने सिलेबस पर कंसंट्रेट करें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि 2020 में वो एम्स में, नीट में, जिप्मर में, इनका जो भी फील्ड सेलेक्टेड है उसमें वो अच्छा कर पाएँ। जो गलती ने 2019 में की थी, जिसके दिनों सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो गलती 2020 में ना करें और 2020 में एक सेलेक्टिव कॉलेज, उनको मनचाहा कॉलेज, मनचाहा कोर्स मिलकर वो देश में अपनी सेवा दे सकें, देश को नया आयाम दे सकें। दोस्तों बता दें कि 2020 तक अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एम्स एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, बिल पास हुआ है, बिल में बताया गया है कि अब भारत में सिर्फ एग्ज़ाम होगा, लेकिन इस बिल को फॉलो होने में लगभग 1 साल अभी लग जाएगा, यानी कि हम बात चलते 2021 में ही ऐसा होगा। 2020 में नीट एग्ज़ाम भी होंगे और एम्स एग्ज़ाम भी होंगे, तो इसके लिए बच्चे बेधड़क इसकी चिंता ना करें। और दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी करते हैं, आपको अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो एग्ज़ाम हो या ना हो इट्स डजेंट मैटर। आप अगर अच्छे से सिलेबस ख़त्म करके जाएंगे, आप पूरी NCERT की बुक पढ़ के जाएंगे, तो एग्ज़ाम कोई भी हो, आपको सेक्शन देने से भारत का कोई भी बंदा रोक नहीं सकता है। दोस्तों ये कुछ प्रमुख बातें हमारी हुई नीट को लेकर, NMC बिल को लेकर। NMC बिल पास हुआ है, इससे आपको ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही इससे कुछ करने की ज़रूरत है। आपका सिर्फ एक काम है, एक सूत्रीय प्रोग्राम है कि आपको 24 आवर आपके पास हैं, आपके पास 6 से 7 महीने समय बचा है, इसमें सिर्फ कम से कम जितना हो सके उतना पढ़ लें, जितना हो सके उतना पेपर सॉल्व कर लें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें और कॉमन ईयर्स को भी पढ़ें, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो।
और अपनी जो पुराना एक्सपीरियंस है आपने 19 में एग्ज़ाम दिया है तो उससे सीख लें और देखें कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की थी, किन कारणों से आपका नीट या एम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनसे सीखें, उनको दूर करें और MBBS में सिलेक्शन दें। तो चलते चलते एक रिकैप दे दूँ आपको कि नीट का एग्ज़ाम और एम्स एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम आपके 2020 में होने की संभावना है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। सिलेबस भी सेम है जो आपने 19 में दिया था, ना तो कुछ सिलेबस चेंज हुआ है और ना ही कोई पैटर्न चेंज हुआ है। रही बात ऑनलाइन या ऑफलाइन होने की, तो अभी तक भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। यानी कि आप NTA जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट के एग्ज़ाम तो उन्नीस में कराई थी, वही संस्था फिर से 2020 में इस एग्ज़ाम को कराएगी, कंडक्ट करेगी और उसमें कहीं कोई अभी तक अपडेट नहीं आई है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या नीट दो बार होगा, तो बता दें कि अभी तक इसकी भी कोई अपडेट नहीं है। बता दें कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो अपडेट मिल पा रही है, जो ऑफिशियल साइट पे मेंशन है, वहाँ पर सिर्फ नीट का एग्ज़ाम एक वर्ष में एक बार ही आयोजित होने का प्रावधान है और इसी के तहत ऐसा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। एक निवेदन है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और पाएं मेडिकल साइंस की सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे सरल शब्दों में। इन सभी के अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी मित्र को, फैमिली को, पेरेंट्स को वीडियो शेयर करें जो कि नृत्य करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।